बीकानेर जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। ऐसे में खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज कोरोना जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया। चिकित्सा प्रभारी अमरचंद्र बुनकर ने बताया कि खाजूवाला में तीसरी बार कोरोना जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें प्रवासी लोगों का विशेष तौर से सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं लोगों को कोरोना से बचाव व उपाय के बारे में जानकारी दी जा रही है। कोरोना जांच के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच करवाई जाए, उसके लिए ANM आशा सहयोगिनी सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट होकर लोगों को जांच करवाने के लिए शिविर में लेकर पहुंचे। ये तीसरा कैंप है जो कि कोरोना की रैंडम सैंपलिंग का अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला में लगाया गया है। इसमें अपना मेन उद्देश्य ये रहेगा कि जो व्यक्ति अदर स्टेट से आए हैं, बाहर से आए हैं, वो व्यक्ति अधिक से अधिक उन व्यक्तियों का जाँच करी जाए। जो व्यक्ति उनके कॉन्टैक्ट में भी रहे हैं या जिनके जो मुख्यतः खांसी जुकाम के या इस तरह के कोई क्रोनिक चल रहा है, इस तरह के पेशेंट या इस तरह के पेशेंट जिनको कोई लंबी बीमारी है और फिर उनको खांसी जुकाम या इस तरह की बीमारियां हैं, उनको अपन टारगेट करके आज अधिक से अधिक लोगों की सैंपलिंग करवाएंगे। जांच का तो क्योंकि अभी काफ़ी बड़े स्तर पर जाँचें होती हैं, इसलिए इसमें एक दो दिन लग जाते हैं। बीकानेर मेडिकल कॉलेज पर काफ़ी दबाव रहता है क्योंकि पूरे जोन की जाँचें वहीं पर आती हैं, पर फिर भी दो दिन में मोस्टली टेस्ट आ ही जाते हैं। आज जितनी भी जांचें होंगी 3-4 बजे तक उनको सभी को सैंपलिंग इकट्ठे करके हम मेडिकल कॉलेज वहाँ भिजवाएंगे। कल परसों तक टेस्ट आ जाएंगी। अपने दो जो कोरोना की जो अपने बड़े वृद्ध स्तर पे दो बार कैंप लगाए हैं, उसमें अपनी अच्छी खबर ये रही है कि सारी जाँचें नेगेटिव आई हैं। आज भी हम उम्मीद करेंगे कि देखें ईश्वर की कृपा रहे और सारी जाँचें नेगेटिव ही आएँ।